दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में बेबस नजर आई यशस्वी जायसवाल। पहली पारी में जायसवाल बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। कगिसो रबाडा ने जायसवाल का लिया विकेट। दो मैचों की तीन पारियों में यशस्वी के बल्ले से सिर्फ 22 रन निकले हैं। टेस्ट फॉर्मेट में पहली बार शून्य के स्कोर पर आउट हुए यशस्वी जायसवाल। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी है। केपटाउन टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन में सिराज ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी। सिराज ने कुछ ही घंटों के अंदर अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में सिराज का अफ्रीका के खिलाफ यह अब तक का बेस्ट प्रदर्शन था। मोहम्मद सिराज के अलावा जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिले, जबकि मुकेश कुमार ने भी 2 सफलताएं हासिल की। प्रसिद्ध कृष्णा को पहली पारी में कोई सफलता नहीं मिली है। भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का अब तक का यह सबसे कम स्कोर था। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 55 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा 15 रन काइल वेरेने ने बनाए। 8 बल्लेबाज सिंगल डिजिट के स्कोर में अपना विकेट गवा बैठे। सेंचुरियन टेस्ट के हीरो डीन एल्गर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 23.2 ओवर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। टीम इंडिया ने इस दौरान सिर्फ 6 रन एक्स्ट्रा में खर्च किए। आईसीसी मेंस टेस्ट बेस्ट रैंकिंग में हुई विराट कोहली की वापसी। टॉप 10 में विराट कोहली ने फिर बनाई जगह। अफ्रीका के खिलाफ विराट खेल रहे हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में कोहली 2 साल बाद लौटे हैं। सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में विराट ने किया था अच्छा प्रदर्शन, जिसके दम पर रैंकिंग में 4 स्थान की लंबी छलांग उन्होंने लगाई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर नासिर हुसैन ने भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 का बेस्ट बल्लेबाज बताया। नासिर हुसैन ने सूर्य कुमार के बारे में बताया कि इस समय T20 क्रिकेट में जिस आदमी पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी वे सूर्य कुमार यादव है। मेरा मतलब है कि वो एक सनकी क्रिकेटर है। BCCI ने वुमेंस प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पार्टनरशिप राइट्स हासिल करने के लिए फेमस ऑर्गेनाइजेशन को बोली के लिए इनवाइट किया है। आपको बता दें वुमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत बेहद जल्द होने वाली है। BCCI सचिव जयशा ने बताया कि WPL का अगला सीजन फरवरी में खेला जाएगा। आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका अपनी बी टीम को न्यूजीलैंड भेजेगा। दक्षिण अफ्रीका के इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी राय दी है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट अब ICU में है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम के काफी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका T20 लीग खेलेंगे, इसलिए न्यूजीलैंड दौरे पर नई टीम जाएगी। सिडनी में जारी तीसरे टेस्ट मैच के बाद डेविड वार्नर अपने टेस्ट क्रिकेट के साथ वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। वार्नर के रिटायरमेंट को लेकर टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया है। सहवाग का कहना है कि उन्हें पर्सनली कभी नहीं सोचा था कि वार्नर इतनी जल्दी रिटायर हो जाएंगे। सिडनी टेस्ट के पहले दिन खेल हुआ खत्म। पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 88 रन बनाए, तो वहीं अमर जमाल ने 82 रन की आतिशी पारी खेली। बाबर आजम 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने हासिल किए 5 विकेट।